तो हुंकारा विद हलीम क्या है? बेसिकली एक बहुत ज्यादा पावरफुल मोडेलिटी है, ठीक है? यू वॉन्ट मी टू पिन माई सेल्फ और वॉट? पता नहीं, इससे हो नहीं रहा। एनीवेज, ठीक है। सो हुंकारा विद हलीम जो है वो गॉडेस काली और गॉडेस बगलामुखी, जो दो ये 10 महाविद्याओं में से दो देवियां हैं, हम उनकी आराधना करेंगे, ठीक है? सैनी जी जो लामा फेरा कर चुके हैं वो अच्छे से उनको जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। डॉक्टर हाँ एस के तो प्लीज नमस्ते म्यूट योरसेल्फ, जिनके भी मोबाइल खुला हुआ है या वॉल्यूम खुला है म्यूट कर लें। तो डॉक्टर एस के सैनी जो हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान रहे हैं। उनको अवेकनिंग जितनी भी टेक्निक्स हैं, जैसे लामा फेरा हो, कारा है, फिर आपका योग माया है, शाल्विक मंत्र रहस्य है, और भी इस तरह के कुछ वो हैं मोडेलिटीज हैं जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, तो वो सब डॉक्टर एस के सैनी ने हमारे लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमारे सामने लेकर आए, ठीक है? अब कुछ मोडेलिटीज ऐसी हैं, या कुछ कहें हम प्रोसेसेस ऐसे हैं, टेक्निक्स ऐसी हैं जो विद कोर्स ऑफ टाइम धीरे 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 खत्म होती चली जा रही, ठीक है ना? और अब वास्तविकता तो ये है कि भाई किसी के पास टाइम नहीं, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल थिंग है, आज के जमाने के में किसी के पास टाइम नहीं है। लामास को फॉलो करना या घंटों मेडिटेशन करना या घंटों आप किसी चीज की सिद्धि करो, उतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो इसके लिए हम डॉक्टर सैनी को बहुत बहुत थैंक यू करते हैं, जिन्होंने इतने डिफिकल्ट चीजें जो है वो हमारे सामने बहुत इजीली सिर्फ सिंबल्स के थ्रू और एक छोटा सा प्रोसेस देते हैं वो, और उन्होंने हमारे सामने ये चीजें रख दी हैं लाके, ठीक है, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी हीलिंग्स कर पाते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। हुंकारा विद हलीम जो है वो डायरेक्ट आपके थर्ड आई पर और आपके नेवल पे इफेक्ट करती है, ओके? तो जितने भी ब्रेन से रिलेटेड काम है ना, वो सारे इसमें बहुत अच्छे से अचीव हो जाते हैं। मिस थर्ड आई और किससे बोला आपने? अच्छा, नेवल, नाभि, ठीक है? जितनी भी अनवांटेड कॉर्ड्स हैं वो कट जाती हैं। आप ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके बारे में मैं डिटेल अभी आपको दूंगी। आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो और हो सकता है नहीं भी सुना हो। तो ब्रह्म नाड़ी का आज हम नॉलेज लेंगे कि क्या होती है, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब ये जो बेनिफिट्स हैं ये एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ हुंकारा विद हलीम के। आई विल जस्ट रीड इट आउट, जो नहीं समझे आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अपने टारगेट्स को अचीव करना, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाना, पीस हार्मनी रिलेशनशिप में, पीस और हार्मनी लाना, हर तरह की डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आपके बिजनेस लीगल मैटर्स जो है, कोर्ट कचहरी जो जिसको कहते हैं, पुलिस के मैटर्स हैं, व्हाटएवर, इन सब में हेल्प आउट करता है। आपके ऑरा को क्लीन करता है, चक्रास को क्लीन करता है, सारी स्ट्रेस और एंजाइटी को हटाता है, और जैसे मैंने कहा ब्रह्म नाड़ी है, एक्टिवेट करवाता है। थॉट्स की क्लैरिटी, क्योंकि जहां पर भी दिमाग का काम है, जहां पर भी आपको थॉट प्रोसेस का काम है, जहां पर भी आप क्लैरिटीज चाहिए, वहां दिस मोडेलिटी इज ब्यूटिफुल। इट वर्क्स लाइक टू, मतलब बिल्कुल ऐसे काम करती है। ये स्लो लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको हम अदरवाइज ना लें, लेकिन हम उनको ट्यूबलाइट बोल देते हैं कभी कभी, है ना? तो इट विल हेल्प देम टू रिटेन देयर मेमोरी। बेसिकली इट इज व्हाट, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न में जो थॉट प्रोसेस है या जो भी हमने सीखा है वो बेटर स्टोर होता है, राइट? उसका हम कॉन्शियस माइंड में, मतलब कॉन्शियस फिजिकली वर्ल्ड में उसको रिटेन करना, मतलब उसको एज इट इज लेकर आना, उसमें जब हमें टाइम लग जाता है तो हम उसको कहते हैं स्लो लर्नर, इट इज नथिंग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपने सबकॉन्शियस, नहीं जी श्रद्धा जी, ये पीडीएफ अभी शेयर नहीं होगा, ये कोर्स के बाद मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये इसमें सब कुछ दिया होता है एक ही बार में पीडीएफ में, अगर अभी आपको मिल गया तो आप पढ़ने बैठ जाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना?
ये ह्यूमन नेचर है, नथिंग एल्स, है ना। वो पढ़ने बैठ जाएंगे और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको फिर वो आप लोग वो ना वो क्रॉस वाला शुरू हो जाता है, तो वो मुझे मतलब नहीं। लिखते वक्त कुछ मिस हो जाए तो बार बार आपको टोके नहीं, तो नहीं नहीं बाद में नहीं कोई मिलने बात वाला नहीं, है तो इसलिए, बस आप इसलिए। 10 बार पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है इसका, ठीक है। तो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स हैं, एमबीए एनालिस्ट्स हैं, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा एमबीए वाला का उसमें नहीं दिया, एमबीए एनालिस्ट जहां दिमाग का काम शुरू हो गया, है ना। साइंटिस्ट जो पीएचडीज कर रहे हैं, जहां पर पूरा मेंटल उनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, वहां ये मोडेलिटी बहुत अच्छी है। सेकेंडली सेल्स बढ़ाने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को हाई करने में, ठीक है। तो हमने यहाँ बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, एक तो फोकस कंसंट्रेशन हो गया, एक आपका रिलेशनशिप हो गया, देन आपका इंटेलेक्ट हो गया, जो माइंड गेम्स, आप माइंड के बारे में जो भी हम काम करते हैं, या माइंडफुलनेस जो है वो यहाँ से आती है, एक मिनट बताती हूँ। और कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपके बिजनेस में आपको हेल्प करता है, ठीक है। देखिए नर्व प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो ना, नर्व प्रॉब्लम भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, ओके। तो वो चीज आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या है, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो मोडेलिटीज है, ये गॉडेस की जो डिवाइन पावर्स हैं उनको लेकर बनाई गई है, तो वहां पर आपको एक काम करना बहुत जरूरी है, यू हैव टू सरेंडर। मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जीज के आगे आपको सरेंडर होना पड़ता है, अगर आप चाहते हैं कि वो एनर्जीज आपके लिए काम करें। और दूसरा पॉइंट, इसको आप डिस्क्लेमर मान लें मेरी तरफ से, एनर्जीज पर कभी डाउट नहीं करना कि हमने ये किया है होगा या नहीं होगा, सरेंडर कर दो टोटली, एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स। लेकिन सिर्फ अगर जहां डाउट आया आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे, जैसे कहते हैं ना, हम पेड़ तो चढ़ गए पूरा, लेकिन जहां हमने नीचे मुड़ के पीछे मुड़ के देखा वापस धम करके नीचे गिर गए, वो वाली हालत हो जाती, ठीक है। एनर्जीज के आगे सरेंडर करना बहुत जरूरी है, एनर्जीज पर बिलीव करना बहुत जरूरी है, और मोडेलिटी के ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है। जो हम कभी कभी हिल जाते हैं ना, वो नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपकी एनर्जी बॉडीज, जो चक्रास हैं, ऑराज हैं, एनर्जी पाथवेज हैं जो हमारी बॉडी के, वो सब यूज होते हैं, और वो सारे आपके फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक जो एस्पेक्ट्स हैं हम लोगों के, उन सब का टेक केयर होता है इसमें, ओके। सो